हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अभी आपको मैंने क्लास में पढ़ाई थी इंग्लिश ग्रामर। कुछ पार्ट्स बाकी रह गया जो मैं अब पढ़ा रही हूँ। नीना इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, रीड द डेली रूटीन। अब नीना नाम की बच्ची है जो स्कूल जाती है और उसका डेली रूटीन देखना है कि क्या है। नीना वेक अप एंड ब्रश हर टीथ। नीना उठती है और अपने दांत में ब्रश करती है। सी देम टेक बाथ, उसके बाद वह स्नान करती है। नीना वियर क्लीन क्लॉथ आफ्टर बाथ, और नीना नहाने के बाद साफ कपड़ा पहनती है। देन नीना ईट हर ब्रेकफास्ट, उसके बाद नीना जो है ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद नीना देन वियर हर शूज, उसके बाद वह जूता पहनती है। हर मदर ड्रॉप्स नीना टू स्कूल, और उसकी माँ जो है उसको स्कूल पहुँचाती है। उसके बाद आप देखिए, नाउ हेल्प रीता गेट रेडी फॉर स्कूल बाय नंबरिंग द पिक्चर इन द करेक्ट ऑर्डर। आप इसमें आप सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर में क्या है आप उसको पहले कीजिए कि आप इसमें नंबर सही सही डालिए कि सबसे पहले क्या करना है। तो उठ के ब्रश करना नंबर वन, उसके बाद बाथिंग करना नंबर टू, उसके बाद साफ कपड़ा पहनना नंबर थ्री, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना नंबर फोर, और लास्ट में जूता पहनना नंबर फाइव। तो देख लीजिए आप, जिस तरह से नीना जी यहाँ वर्क की थी उस हिसाब से हम यहाँ भी नंबर डालना था वो नंबर डाल के इसको कंप्लीट किया। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले बच्ची को क्या करना चाहिए, उठना चाहिए जल्दी और ब्रश करना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए, उसके बाद साफ कपड़ा पहनना चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, उसके बाद जूता पहनिए और फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाइए। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज आपको मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई है जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, बाय।